नमस्कार, जाट कॉलेज से सीधा तस्वीरें आप देख सकते हैं। इवेंट के समाप्त होते ही बच्चों में खुशी की लहर, सब ने दिखाए अपने टैलेंट और आप देख सकते हो सीधी तस्वीरें लाजपत राय सिंगला के द्वारा जाट कॉलेज से सीधा तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। साथियों, खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। ऐसी प्रतिभाएं सभी बच्चों के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि फिल्मी दुनिया ने इन थिएटरों को बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी जागरूकता बच्चों में आज देखने को मिलती है। देख सकते हैं जाट कॉलेज का सीधा लाइव दृश्य इस समय हमारे कुरुक्षेत्र भूमि चैनल के माध्यम से कि इवेंट हुआ और यहां पर बच्चों ने अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम को पेश किया और हरियाणवी सभ्यता संस्कृति पर विशेष फोकस डाला गया। तो मुलाकात करते हैं लाजपत राय सिंगला के साथ यहां पर। विशेष रूप से इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय कैथल की टीम को रनर अप 40वां दोलानी युवा उत्सव जाट कॉलेज, इसमें रनर अप बनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सभी विद्यार्थी व्यवस्था बनाए रखें और कोई रात नहीं गया और नमस्कार मैम, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। क्या नाम है और आपके कॉलेज का क्या है और कहां से आए हैं? आपके बच्चों ने इवेंट में क्या जीता मैम? ये तो बढ़िया मिल गया। आप जाट कॉलेज में पहुंचे, आपके बच्चों ने इवेंट की, तो कैथल शहर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, बच्चों को क्या कहना चाहे, आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, हमारा कॉलेज हर साल मतलब ऑल ओवर ट्रॉफी लेता है और जितने भी कोचिज हैं हमारे यहाँ वो पहले स्टूडेंट थे, अब वही कोच बन के आ रहे हैं। मतलब इतने पारंगत हैं सारे के सारे कि दिन रात मेहनत करते हैं और उसका आज जो फल मिल रहा है, सभी बच्चे इतने मतलब उत्साहित हैं और हम दिन रात इन बच्चों के साथ, क्योंकि हम स्टूडेंट लाइफ को जानते हैं, जब हम स्टूडेंट थे जब हम पूरी मेहनत करते थे सिटी के लिए, और हमारे सीनियर खड़े हैं, हमारे सुभाष शर्मा जी डांसर रहे, हमारे डॉक्टर राजीव शर्मा जी, और मैं यहाँ डांस स्केट ऑर्केस्ट्रा हर विधा में हमारी ये रही है। सर ये ट्रॉफी आपने गए कौन से नंबर पे आई है? सर थिएटर है, सर हमारा थिएटर में जैसे कि हमारा सॉन्ग है, प्ले है, हमारा स्किट है और हमारा रिचुअल है, हमारी मिमिक्री है, तो जो हमारी थिएटर की आइटम है वो हमेशा थोड़ी मजबूत रहती है, क्योंकि थिएटर में भी शुरू से ही आरकेएसटी कॉलेज का नाम रहा है, क्योंकि थिएटर के को मजबूत करने के लिए यहाँ के जो आर्टिस्ट रहे हैं पहले भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट पैदा किए हैं। सर आपने थिएटर की बात की, थिएटर भाई थिएटर के को मजबूती करने के लिए कितना संघर्ष किया और क्या क्या इवेंट चले? सर सर हम जमीनी लेवल से ही जो थिएटर है, जो हमारा फोक थिएटर सांग है और स्किट है और जैसा ये हमारा फोक थिएटर में ही आते हैं चीज़ें, क्योंकि हम तीनों यहाँ खड़े हैं कि हमने
बखूबी इसमें रोल निभाया है और हमने खुद सांग भी किए, स्किट भी किए और म्यूजिक भी किया, सब कुछ किया हमने, पार्टिसिपेट किया। और आज हमें बड़ा अपने आप को गौरवान्वित मतलब हम महसूस करते हैं कि जिस कॉलेज में हम पढ़े हैं उसी में कोच बन के हम बच्चों को सिखाने के लिए आते हैं। सर पहले लक्ष्मी चंद के जिया लाल के सांग चलते थे, अब लुप्त होते जा रहे हैं, उन सांग के बारे में क्या कहेंगे सर? पंडित लक्ष्मीचंद जी, बाजे भगत जी, राय धनपत जी और मतलब मांगेराम जी बहुत ऐसे हमारे महान सांगी रहे हैं जिन्होंने मतलब हमें ऐसा लिटरेचर दिया, ऐसा साहित्य दिया जो हमेशा हरियाणा को एक नई दिशा देता है। और हमारे हरियाणा की जो पहचान है वो लोक नाट्य से है, लोक नाट्य में सभी गायन वादन नृत्य अभी सभी विधाओं का समावेश जी। उसके बाद का क्या कार्यक्रम होने वाला है सर आपका? उसके बाद का कार्यक्रम सर हमारा अगला टारगेट होगा सर रत्नावली, कल से जो 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है, तो हम पूरे दल बल के साथ और उसी मेहनत के साथ दोबारा फिर हम वहां पर भी ऐसे ही हम अपना परचम फहराने की कोशिश करेंगे। जो रत्नावली कार्यक्रम है कहां पर होगा सर? ये सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हर साल होता है 1 नवंबर पे, तो उसके उपलक्ष्य में ये वहां पे रत्नावली में अनेक विधाएं जो वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ये हरियाणवी जितनी भी विधाएं हैं लोक विधाएं हैं वहां पे आपको उस तरीके से आपको रूबरू होने का मौका। नमस्कार सर, आप कदमे छोटे हैं काम बड़े बड़े करते हैं, उसके बारे में बताएं सर। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है जी, है ना? उनका कद बहुत छोटा था लेकिन आसमान भी छोटा था, वो बल्ला उठा के चलता था जी। ये जोड़ी आपको दिखाई दे रही है जी, सचिन अनिल जी, ये आप अपना देखे चलेंगे इंटरव्यू जी। सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं सुना सर ने, लेकिन आसमान को छूटता उसका बल्ला जब चलता है जी। यही बात, ये देखो ये सहवाग है, ये सर्विडर, ये सचिन है। कल्चर में अगर बात करें सर, सर सचिन की बात की, क्या आपने भी 50,000 रन बनाने का या 50 चुने का इरादा ले रखा सर? लगभग 2005 से लेकर आज 2024 में आने वाले समय जो 24 का होगा, लगातार कंटिन्यू ये जोड़ी अपना काम करती जा रही है। जोनल यूथ फेस्टिवल से लेकर इंटर जोनल रत्नावली में, जो भी रत्नावली को देखता है, जोनल यूथ फेस्टिवल को देखता है, इंटर जोनल को देखता हुआ, उसे राजीव शर्मा, सुभाष शर्मा, डॉक्टर अनिल भारती बहुबी याद होंगे जी। आपकी टीम की बात करें सर जी, आपके हाथ में जो ट्रॉफी है सर, तो इसके बड़े मुस्कुरा रहे हैं, इस मुस्कुराहट का राज क्या है सर? मुस्कुराहट का राज मेहनत है, मेहनत करो, जब भी करो अच्छी करो, लगन से करो, और किसी का सुपड़ा साफ करना तो इस प्रकार से करो जी। ये थे राजीव शर्मा जी, ये हमारे अच्छे मित्र भी हैं और इन्होंने क्या कहना चाहेंगे सर, क्या नाम है सर, क्या कहना चाहेंगे सर? सुभाष शर्मा जी, मैं भी आरकेएसटी का स्टूडेंट रहा हूँ और ये थिएटर की ओवरऑल ट्रॉफी है हमारा आरकेएसटी कॉलेज, जब से हम स्टूडेंट रहे हैं तभी से थिएटर की आइटम में नीचे से ही आज तक ओवरऑल अव्वल रहा है, उसमें हमारे गुरुजी बलजीत जी, ढोल जी और उनके बाद हमारे डॉक्टर राजीव शर्मा जी आरकेएसटी में थिएटर को संभाले हुए हैं, उनका साथ दे रहे अनिल भारती जी, और मुझे यहाँ स्टूडेंट होने के बाद जब मैं दोबारा एज ए कोच यहाँ काम कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और हम इसी मेहनत के साथ कल से 28 तारीख से रत्नावली शुरू होने जा रहे हैं, 4 दिवसीय, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम और हमारे बच्चे और हमारा पूरा मैनेजमेंट जो हमारा साथ दे रही है, हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वहाँ भी ऐसे ही परचम लहरा रहे हैं। पूर्णिमा जी, आप एक झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का भी रोल निभा रही थी आप, हमने आपके नाटक देखे देखे बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आरकेएसडी कॉलेज के अंदर मेरा एडमिशन सेकंड ईयर के अंदर हूँ मैं, और इस दौरान मुझे कल्चर से जुड़ने का मौका मिला, और खास तौर पर मैं नाम लेना चाहूँगी राजीव शर्मा सर का, जिनके साथ मैं जुड़ी, और थिएटर की स्किट रिचुअल हमारी फर्स्ट आई है, उसके अलावा सांग हमारा फर्स्ट आया, हमारा ग्रुप सॉन्ग थर्ड आया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हमने बाजी मारी है, जिसके अंदर राजीव सर का पूरा पूरा योगदान रहा, अनिल भारतीय सर का पूरा पूरा योगदान रहा, और ऐसे ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इस इलाके में। कॉलेज में पढ़ने के अलावा भी काफ़ी प्रदर्शनों में भी अच्छे भाग लेते हो, अच्छे करते हैं, ये ऐसा जोश कहाँ से आता है आपको? पता क्या है, जो अपना जोश है, जो समाज के लिए जो अपनी सामाजिकता है, वो एक अलग जगह है, अगर लड़ने वाली जगह तो लड़ने वाली जगह, लेकिन आज हम यहाँ पर अपने जो हुनर है उसकी काबिलियत पर आए थे, दोनों चीज़ें अलग हैं और साथ में चलती हैं। पूर्णिमा जी बात करना चाहेंगे, जो ये आपके हाथ में ट्रॉफी है, ये आपने किस कार्यक्रम में जीती? थिएटर की आई
मैडम थी हमारी, स्किट और रिचुअल और दोनों फर्स्ट आए हैं जी। थिएटर की ही आइटम है जी। थिएटर में के क्या क्या इवेंट हुए थे सर? रिचुअल हुआ था, हमारी स्किट हुई थी, हमारा सांग हुआ था, उसके अलावा हमारी मिमिक्री थी, हमारा माइंड था, ये सब चीजें हमारी थिएटर की आइटम थी और लगभग सारी ही फर्स्ट आई। और कल को क्या प्रेरणा देंगे जैसे आपने ट्रॉफी जीती? ऐसे ही कहेंगे कि अगर जिसके अंदर कोई भी हुनर है तो उसको दबाए ना, उसको सामने लेकर के आए और अपने हुनर को और निखारने के लिए इस तरीके के कॉम्पिटिशन के अंदर भाग लेना बहुत जरूरी जी। और सर हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो आज जाट कॉलेज में इवेंट चली उसके बारे में क्या कहना है सर? आर के सी की तरफ से लगभग सभी जो प्रतिभागी थे हर एक तरह की प्रतियोगिता में हमने भाग लिया और लगभग डेढ़ महीने से हम लगातार प्रयास कर रहे थे, दिन रात एक करके कोचिंग के साथ पूरा स्टाफ हमारा मैनेजमेंट से लेकर प्रिंसिपल सर उनका सहयोग था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा। ओवरऑल ट्रॉफी हमारी रही और उसके साथ साथ थिएटर विधा जो थी उसमें वन एक्ट प्ले अग्रिंदर में था वो बहुत अच्छा स्टेज परफॉर्म करने का प्रयास किया गया था और उसमें हमारी टीम फर्स्ट रही थी और ऑल ओवर थिएटर का जो ओवरऑल था वो भी हमारे पास ही रहा। तो आगे हमारी उम्मीद है कि हम इनके जोन में जाएंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हाँ जाट कॉलेज की तरफ से भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, बहुत अच्छा इन्होंने आयोजन कराया इस फेस्टिवल का और आगे भी हम प्रयास करेंगे इससे बेहतर करने का हमारी टीम के साथ बच्चों के साथ। और खासकर आर के एस का प्रयास ये रहता है कि बच्चों को एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कराया जाए और ये उसी का एक पार्ट है। बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए एजुकेशन के अलावा बाकी चीज़ों में जोड़ा जाता है आगे बच्चे का विकास, यही हमारा जी। अशोक जी आपसे जानकारी चाहेंगे, जो पहले सिनेमा थिएटर होते थे वो लुप्त होते जा रहे हैं, क्या बच्चों ने थिएटर का रूप धारण कर लिया है? देखिए आपकी बात अगर मैं कहूँ जो जोनल यूथ फेस्टिवल है ये इसी प्रयास में है कि जो लुप्त हो रही है कलाएं, अगर हम देखते हैं हरियाणवी फोक सॉन्ग की बात हम करते हैं, रिचुअल की बात करते हैं या थिएटर की भी बात करें, क्योंकि आज का ज़माना थिएटर का ज़माना नहीं है, उसमें बदलाव आ रहे हैं और क्योंकि एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों के शौक बदल चुके हैं, उसके बावजूद अगर मैं कहूँ सबसे कठिन जो विधा है वो थिएटर की है और आर के एस डी कॉलेज लगातार इस विधा को बनाए हुए है, सहयोग कर रहा है और जो इस बार की कहानी थी वो एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है, फिंगर कहानी जो भारत पाकिस्तान के बदलाव जो बंटवारा हुआ था उसके ऊपर थी, बहुत ही मार्मिक कहानी है और आर के एस डी कॉलेज के बच्चों ने डॉक्टर विनोद कुमार मान के नेतृत्व में उसको बहुत ही सजीव ढंग से यहाँ स्टेज का मंचन किया है और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि भविष्य में इंटर जोनल जो होने वाला है उसमें भी वो अपनी सफलता के धंधे गाड़े। सर बच्चों ने इनामों की बुछार लगा दी, क्या आपका कितना हृदय खुश हुआ सर? देखिए किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ा पारितोषिक उनके बच्चों की सफलता होती है और आर के एस डी कॉलेज का एक हिस्सा होने के नाते मैं अपनी मैनेजमेंट, अपने प्रशासन, अपने प्राचार्य महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने खुला आँच छोड़ा हुआ है कि जो तीनों क्षेत्र होते हैं शिक्षा का, खेलों का, कल्चर का, हमें पूरी छूट है कि जो भी प्रतिभा कहीं दिखती है हम उसको एक मंच प्रदान करें और उनको निखरने का मौका दें। सर के किस किस इवेंट में बच्चों ने ट्रॉफियां जीती सर? हमारे अगर मैं कहूँ टोटल 43 विधाएं थी, उसमें लगभग 30 विधाओं में हमारे बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन प्राप्त की है और बहुत ही अच्छे ढंग से लगातार, ये थी हमारी नैक की विजिट थी लेकिन एक महीने से बच्चे लगातार दिन रात उसकी तैयारियां कर रहे थे। आपने उनके अगर मैं कहूँ टैलेंट को खुद देखा होगा, हमारा सदा ही प्रयास रहता है कि हम कोई भी पारितोषिक देते हैं तो अपने कला के सहारे हम इधर उधर कोई कोशिश नहीं करते, लगातार बच्चों ने अपने प्रभुत्व अपने टैलेंट के आधार पर सभी ट्रॉफियाँ दी। जाट कॉलेज में कैथल के बच्चों ने चक दिए फट्टे। हाँ जाट कॉलेज और आर के एस डी कॉलेज कैथल के बच्चे सारे हमारे बच्चे हैं और जो भी नेता है सबको हमारी तरफ से बधाई और ये शुभकामनाएं भविष्य में और अच्छे ढंग से उभरे ताकि हमारे बच्चों में भी एक देखिए दोस्तों बताना चाहेंगे ये थे अशोक मंत्री जी। तो आर के एस डी कॉलेज के बच्चों ने जैसे चक दे इंडिया ऐसे ही इनामों की बुछार में चक दिए फट्टे, बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य रहा, बहुत ही बढ़िया, बच्चे खुश नजर आए, ऐसे ही कार्यक्रम होते रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़ें, लाइक करें।